वेलकम फ्रेंड्स, टाइम हो गया 3:35, 3:35 एंड सिर्फ 5 मिनट हुए हैं बंद मार्केट को। मैं तो 5:25 पे 3:25 पे शुरू करने वाला था बट थोड़ा दाएं बाएं चला गया था, तो आइए इनसे शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि बाय करके नहीं खेलना है, मैं मार्केट में बियरिश हूँ जब तक ये 10 EMA रिटेस्ट नहीं होता, एंड आई एम स्टिल बियरिश जब तक ये 10 EMA रिटेस्ट नहीं होता निफ्टी में। और क्या कहते हैं ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो दोस्तों, कितने लोगों का आज लॉस बचा होगा मेरा ये व्यू जान के, ठीक है, और कितने लोगों का पैसा बना होगा जो मैंने इंट्राडे लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने लो मारा है, देख लेते हैं कितना, 35,177 और इसका 10 EMA आ रहा है 35,054। मंडे को ये 10 EMA थोड़ा और नीचे आ जाएगा बट इसको 10 EMA को टच करना है तो करना है। बैंक निफ्टी को ये लाल लाइन छूनी है तो छूनी है, ये आएगा इसको छूने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसका चार्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ एनालिसिस का तो आप गाइस देख ही चुके होंगे क्या दम है, ठीक है। कितने लोग कल आपको ब्रेकआउट 36,000 का बता रहे थे, ऐसा नहीं है मैंने तेजी नहीं करवाई और मैं तेजी में था, बट भैया यहाँ पे अपनी स्टडी बोलती थी एक बार निकल जाओ 10 EMA रिटेस्ट होने दो, तेजी की गाड़ी में तब बैठ जाना। ये है आपका 1 घंटे का चार्ट दोस्तों, मैं इसमें आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जब निफ्टी बैंक निफ्टी यहां से चला 32,000 से ये रैली चल रही है, तो ये 10 EMA सबसे नीचे था, फिर 20 EMA था। 1 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, 15 मिनट के चार्ट के बाद मैं 1 घंटे का चार्ट ही सबसे ज्यादा स्टडी करता हूँ। 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया था, ये सबसे ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो जब जब ये इसके पास आया मार्केट ने जंप लिया, ठीक है, ये देखिए यहां पे आया फिर मार्केट ने जंप लिया, यहां पे आया बिल्कुल इसकी चुम्मी लेने के लिए फिर मार्केट ने जंप किया। आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, आज 10 EMA की वैल्यू 20 EMA के नीचे आ गई, 10 EMA 20 EMA से नीचे आ गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में भी पोजीशन तब बनाना जब निफ्टी का भी 10 EMA रीटेस्ट हो जाए। निफ्टी बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहा, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जब तक ये ऊपर जाके दिखा दे यार, निफ्टी ऊपर जाके दिखा दे बिना इसको टच करे, ठीक है। जो लोग 16,000 कितने के टारगेट दे रहे हैं, टारगेट भैया मेरे भी हैं 16,000, बट वो जब तक नहीं आएंगे जब तक ये इसको छू के नहीं जाएगा अगले 2 से 3 दिन में, ठीक है। अगले 2 से 3 दिन में ये जाके दिखा दे ऊपर बिना इस लाल लाइन को छुए, ठीक है। आज तक मैंने आपको कल के एनालिसिस में, लंबी वीडियो हो गई थी 19 मिनट की, आपको दिखा दिया था कि 15 से 16 मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज में ये इस लाल लाइन को छूने के लिए आ जाता है जो कि 10 EMA है। आपने देखा होगा सिर्फ यहां पे इसको 21 दिन लगे थे जो मैंने कल काउंटिंग करके बताई थी, और ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, बट उसमें भी इसको छूने के लिए 7,511 से 8,712 पॉइंट की रैली करनी पड़ी थी, ठीक है। ये नियम है मार्केट का, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो EMA पे बेस्ड हैं, ठीक है। 6 महीने मैंने 2018 के जुलाई से लेके 2018 के दिसंबर तक 6 महीने डेली मार्केट को स्टडी करता था बिना ट्रेड किए, ओनली पेपर ट्रेडिंग, ये स्टडी करना कौन सा चार्ट में कौन से, ये सब मेरी खुद की स्टडी है, ऐसा नहीं है मैंने पैदा की है दोस्तों। मैं इसका क्रेडिट मतलब मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, फिर उसको टेस्टिंग की, उसमें अपनी इम्प्रोवाइजेशन डाली, नहीं भैया इसके अंदर यहाँ कमी है, ये कैचेज है इसके अंदर, यहाँ पे सेफ रहना है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट उनकी एक्यूरेसी अभी 6-7% है और वो जैकपॉट लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। पर मैं आपको देता नहीं हूँ क्योंकि नहीं चलेंगे, आप लोग बोलोगे साला बेवकूफ बनाता है, मैं आपको वही चीजें देता हूँ जिसमें मैं श्योर शॉट होता हूँ, ठीक है, जिसमें 80-90% एक्यूरेसी होती है। और आपने देख लिया है आज किसी में दम नहीं था इसको ऊपर ले जाके दिखा दें। बैंक निफ्टी 800 से टॉप कितना था 35,819, वहां से सीधा 35,177 आया है 35,177, एंड आई एम स्टिल सेइंग ये बिना इस लाल लाइन को छुए ऊपर नहीं जाएगा अगले 2 से 3 दिन में, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। और यही अब निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा, आज भी तो गिरा नहीं निफ्टी,
बट निफ्टी जाके दिखाते इसको बिना बिना टच किए ऊपर, ठीक है देख लेंगे। आइए दोस्तों कैंडल की बात कर लेते हैं। कैंडल ने हाई लगाया है, एक बात और सुन लीजिए, अगले फ्राइडे तक ही ये रेड लाइन टच होगी और अगले फ्राइडे तक ही ये हाई भी कटेगा, ठीक है देख लेना आप मेरी बात को मिला लेना, ठीक है। इसका लो लगा आज मार्केट का 600 कुछ, मैं इसमें अंदर का चार्ट लगा लेता हूँ एक बार, 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट पे आप ये देखेंगे, ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसके नीचे अगर ये आ जाता है तो कम से कम 100 से 100 पॉइंट गिरेगा, ठीक है। बट एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो कि है 15 पॉइंट की रेंज का, 15,585 से लेके 15,570 या 65 लगा लीजिए, ये 20 पॉइंट में बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे ही निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को 15,570 के नीचे चलती है, आपको ये लाइन छूटी हुई मिलेगी जो कि आ रही है आज की डेट में 15,463 10 ईएम। जब तक 10 ईएम में रिटेस्ट ना हो, बाई की गाड़ी में बैठना नहीं है, और बाई की गाड़ी पकड़नी है इस बार आपको बैंक निफ्टी की पोजिशनल, ठीक है। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में स्पेस है, वो ज्यादा भागेगा, रिटर्न उसमें ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है ये नहीं चलेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो टच होना है तो होना है, ऐसा नहीं हो सकता बिना ये अगले दो से तीन दिन में ये 10 ईएम में टच होए, या तो गैप डाउन से हो जाए भाई, खुले यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ भाग जाए, या फिर भैया एक मंदी की कैंडल बनेगी और ये 10 ईएम में टच हो, ठीक है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 100-125 पॉइंट से रह गया, ये भी टच होगा, ठीक है ये भी टच होगा। ये कितना आ रहा है 35,054, और ये हो सकता है 34,960-70 आ जाए मंडे वाले दिन, क्योंकि आज वाले दिन की कैंडल का वेटेज इसमें जुड़ेगा, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर बैंक ये निफ्टी थोड़ा और ज्यादा गिरता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको यहां तक भी मिल जाए 34,750-800, तो वो एक्यूमुलेट करने का जोन होगा बैंक निफ्टी को, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में इंट्राडे लेवल्स की, ठीक है इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं। आज तो आपको देखा ही होगा 660 के नीचे, 35,660 के नीचे सेल बोला था, क्या प्रसाद मिला है। अब इसने जो होल्ड किया है ना, वो लेवल इसने होल्ड किया है ये वाला 35,220 के नीचे अगर ये होल्ड करता है तो आपको बहुत जल्द 35,140 भी देखने को मिलेगा, और 35,100 आप नोट करके चलिए, अगर 35,100 कट जाता है उसके नीचे चला जाता है तो 34,900 की तैयारी कर लेना, 34,900 तो वहां पे जरूर मैं अपनी बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। 34,900 ये मैंने आपको आज बता दिया, मैं पोजीशन लूंगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है 35,900 से लेके इन केस मुझे और नीचे मिल जाता है ये, क्योंकि ऐसा निफ्टी नहीं गिरा यार उसने, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जब तक निफ्टी ना गिरे। ये लेवल रहेगा 550 तक का, यहाँ तक मैं एक्यूमुलेट करूँगा बैंक निफ्टी को, ऐसा लगाऊंगा अपना 34,100 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाती है ये मेरा हो जाएगा SL। पोजिशनली टारगेट रहेगा 38,000 जुलाई मंथ के एंड तक, बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया इंट्राडे। अब आ जाते हैं निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स, मैं इसका 30 मिनट का चार्ट लगा लूँ एक बार, ठीक है। इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिख रहा है, तो एक तो एक गैप फिल होना चाहिए भाई, ठीक है ये गैप आता है आपका 596 पे गैप फिल हो जाएगा, और आपको इसको ठोक देना है अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो 500
15,565 के नीचे अगर होल्ड करता है ना, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, आपने टारगेट लेके चलने हैं। फिर सबसे पहले 520, 15,520, उसके बाद 15,460, फिर तो ये आपके ऑटोमेटिकली डेली उसमें यही लेवल आ रहा है ये, ठीक है। वहां से बाइंग की गाड़ी में बैठ जाना है। निफ्टी का भी मेरा जुलाई एंड तक का टारगेट है 16,500, पर ऐसे नहीं आएगा यूं। एक तो आप लोग क्या है, अपने आपको वीआईपी मत समझो दोस्तों, ठीक है, कि मैंने आज ले लिया तो चल क्यों नहीं रहा। ऐसी स्टॉक में होता है आपका दिमाग, साला आईटीसी लिया चल ही नहीं रहा, आईटीसी दो साल से नहीं चल रहा, तुम इसमें आज एंट्री ले रहे हो, आप लोग क्या वीआईपी हो, जो आपने एंट्री लिया आईटीसी भाग पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखो गाइस, जिस इंसान के अंदर पेशेंस है उसी को मिलता है, ठीक है। बैंक मैंने कल आपको पोजीशन बुक कराई बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी आज 35,820 चला गया होगा। अब किसी की स्टडी ना हो, किसी को लॉजिक ना पता हो कि नहीं मुझे आज बाइंग नहीं करनी है, वो तो यहाँ पे बैठ जाएगा, नहीं भैया हो गया ब्रेकआउट, ठीक है करो भाई, और शॉर्ट करना होगा तो पोजीशन काट लेगा लॉस में। तो सीखना बहुत जरूरी है, प्लीज लर्न कीजिए। इस पैसे पे आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का हक है, ठीक है। शादी की है ना, बच्चे पैदा किए हैं ना, अगर ऐसे पैसे उड़ाने थे भाई तो क्यों उड़ा रहा है यार। तो थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो, करना ही है तो पहले सीख लो। डू लेस ट्रेडिंग बट डू क्वालिटी ट्रेडिंग। मैं ये नहीं कहता कि जो स्टडी जो रिसर्च है वो आपको हमेशा 100% आपको फायदा देंगे, ठीक है, मैं नहीं कहता, बट मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक रिसर्च है जो मुझे कहती है कि ना भैया 10 AM में रिटेस्ट होगा, बाकी भोल भगवान है यार, देखेगा। शिवजी भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनका हाथ रहा तो स्टडी आज तक तो फेल हुई नहीं है, ठीक है, इस बार भी फेल नहीं होगी, आएगा। 14 दिन हुए, 15-16 दिन, 2 दिन है, इसको टेस्ट करने आएगा, और ये जाएगा नहीं ऊपर, मुझे पता है, इसको जब तक टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट, वीडियो पोस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच।